अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बैक एन वीडियो। दिस मलिक अमजद, आप देख रहे हैं टाइम न्यू बिरब चैनल। तो गाइस, फाइनली आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोकिया एक्स सीरीज के एक और स्मार्टफोन के बारे में। स्मार्टफोन का नाम है नोकिया एक्स 200 प्रो। अगर नोकिया कंपनी स्मार्टफोन को मार्केट में लॉन्च करती है तो स्मार्टफोन में आपको क्या नए फीचर देखने को मिलेंगे, क्या प्राइस होने वाली है, क्या ये स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगा या नहीं, क्या आपको स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए या नहीं, कंप्लीट डिटेल के साथ इस स्मार्टफोन से रिलेटेड आज के वीडियो में तमाम तरह चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। और हाँ गाइस, इस वीडियो पर मैंने 50 लाइक्स का टारगेट रखा है, जो कि आपने जरूर अचीव करना। और ऐसी मजीद लेटेस्ट अपकमिंग स्मार्टफोन की वीडियोस को वॉच करने के लिए अपने भाई के चैनल टेक्निकल बेस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए मैं जैसे वीडियो अपलोड करता हूं। तो गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे नोकिया एक्स 200 प्रो की स्पेसिफिकेशन की। सेकंड नंबर पर डिस्कस होगी स्मार्टफोन की प्राइस और लॉन्च डेट। और लास्ट में मैं अपना फाइनल ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं स्मार्टफोन के डिस्प्ले से। स्मार्टफोन का डिस्प्ले साइज 6.5 इंच का है। 7.5% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दी जाएगी। रेजोल्यूशन 1080 की दी जाएगी। रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का दिया जाएगा। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर रन करते हुए नजर आएगी। स्मार्टफोन के डिस्प्ले में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वह सुपर एमोलेड की है। पिक्सल डेंसिटी 400 के दी जाएगी। नेट स्ट्राइव 480 के देखने को मिलेगा। अगर बात करें नेट स्पीड की, वो 1200 के दिए जाएंगे। नो डाउट नोकिया की कंपनी ने स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर काफी अच्छा काम किया। आप स्मार्टफोन को डिस्प्ले वाइज कंसीडर कर सकते हैं। और साथ ही बात करेंगे स्मार्टफोन की बैटरी की। स्मार्टफोन के साथ दी जाएगी 5000 एमएएच की बड़ी बैटरी। साथ आपको 67 वाट का फास्ट चार्जर स्मार्टफोन के बोस के साथ दिया जाएगा, जो स्मार्टफोन को 60 मिनट में 0-100 फुल चार्ज करेगा। यह स्मार्टफोन गेमिंग परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत ज्यादा तगड़ा होने वाला है, क्योंकि स्मार्टफोन में लगाई जाएगी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 780 की 5G की चिपसेट। आपको भी हैवी गेम हाई फ्रेम रेट्स के ऊपर स्मार्टफोन पर आसानी से रन कर सकेंगे। सो गाइस, आप बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की कैमरा परफॉर्मेंस की। स्मार्टफोन की बैक साइड पे ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया जाएगा। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का होगा। अगर बात करें फ्रंट कैमरा की, फ्रंट पे आपको 16 मेगापिक्सल का 5x सेल्फी शूटर कैमरा दिया जाएगा। और फ्रंट कैमरे की मदद से आप 1080 की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकेंगे। स्मार्टफोन के एक्स्ट्रा फीचर की बात करें तो स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट अंडर डिस्प्ले दिया जाएगा। यूएसबी सी टाइप पोर्ट दी जाएगी। 3.5mm का ऑडियो जैक दिया जाएगा। एंड्रॉइड 12 वॉइस का सॉफ्टवेयर स्मार्टफोन में रन करता हुआ नजर आएगा। यह स्मार्टफोन दो वेरियंट्स में लॉन्च होगा। जो सबसे पहला वेरियंट है वो 6GB रैम 128GB रोम के साथ लॉन्च होगा। और इसी स्मार्टफोन का सेकंड वेरियंट 8GB रैम 256GB रोम के साथ लॉन्च होगा। स्मार्टफोन की जो प्राइस पाकिस्तान में एक्सपेक्ट की जा रही है वो 80,000 है। और ये स्मार्टफोन दिसंबर 2022 में लॉन्च होगा। सो गाइस, आपने कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना है कि ये स्मार्टफोन आप लोगों को कैसा लगा है, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्मार्टफोन आपके लिए वेल फॉर मनी होगा। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेल फोन के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।